देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर चला जाएगा y माइनस x साइन y अपॉन x, ठीक है। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा, y अपॉन x माइनस साइन y अपॉन x। अब देखिए अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो ये फंक्शन है x और y का, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस साइन y अपॉन x, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इसको अगर हम x और y को लेमडा x लेमडा y से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, तब भी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम बनी रहेगी, y अपॉन x माइनस साइन y अपॉन x, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखिए f x कॉमा वाई इज इक्वल टू f लेमडा x कॉमा लेमडा वाई, ठीक। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन यहां से होमोजीनियस प्रूफ हो जाती है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और y अपॉन x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा v माइनस साइन v। तो यहां पर v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये हो जाएगा x dv इज इक्वल टू माइनस साइन v dx, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन x, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा cosec v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम पूरे टर्म को, ओके। तो इस प्रोसेस को अब हम आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा log cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा देखिए माइनस log x प्लस log c, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, log cosec cosec, और ये हो जाएगा y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log c अपॉन x, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, दोनों टर्म दोनों जगह से हम क्या करेंगे, एंटी log ले लेंगे, तो log हमारा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec y बाई एक्स माइनस cot y बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c बाई एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cosec y बाई एक्स माइनस x cot y बाई एक्स इक्वल टू c, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं x cot y बाई एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x कॉसेक
वाई बाई एक्स माइनस सी। बस दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है।